मॉर्निंग एवरीवन, मैं संदीप सिंह आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स बाय संदीप सिंह पे। आज हम बात करने वाले हैं फॉर द बीएससी थर्ड ईयर प्रैक्टिकल इन विच आई बिलोंग टीआईआर। आज हम बात करेंगे टीआईआर प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। देखिए, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमने क्या सोचा कि एग्जाम में दिक्कत होगी तो क्यों ना प्रैक्टिकल की वीडियो बना ली जाए। इट इज़ यूजफुल एवरीवन आल्सो फॉर मी। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं। अब बीएससी सेकंड ईयर में एंगल ऑफ प्रिज्म निकालते हैं, तो दैट इज सेम प्रोसेस। एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने का, आप सबसे पहले प्रिज्म को रखिए और इसका जो रफ सरफेस है वो आपके साइड होगा। ओके, जो रफ सरफेस है वो आपकी साइड होगा। आपने प्रिज्म रखा है, रफ सरफेस आपके साइड होना चाहिए। एक बार लेफ्ट से ले लीजिए, एक बार राइट से। दैट इज द सेम प्रोसेस जैसे आपका सेकंड ईयर का है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमें थर्ड ईयर में, हमें इसमें डिमार्केशन लाइन प्राप्त करना होता है। तो हम डिमार्केशन लाइन कैसे प्राप्त करते हैं उसको बताते हैं। प्लीज फोकस कीजिएगा वीडियो को। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका ये प्रिज्म है, प्रिज्म का ये, ध्यान से देखिए, प्रिज्म का ये रफ सरफेस है। हम प्रिज्म के रफ सरफेस को अपने अपोजिट रखेंगे, मीन्स जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है प्रिज्म के रफ सरफेस को उस साइड रखेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, हम प्रिज्म के रफ सरफेस को इधर रख रहे हैं। ठीक, मैंने प्रिज्म को रफ सरफेस से हमने अपने अपोजिट रखा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हम स्लिट को खोल देंगे यहाँ से। ये देखिए, इस वीडियो यहाँ दिखाइए, यहाँ पे, यहाँ फोकस कीजिए। हम इसको स्लिट को खोल देंगे, पूरा स्लिट खोल देंगे। जब हम स्लिट खोलेंगे तो इसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पे, यहाँ ध्यान से इसको वीडियो फोकस कीजिए सर, इसको यहाँ आप देखेंगे ये लाइट जल रही है, इसलिए आपको एक यहाँ सर्कल टाइप दिखेगा। इस फोकस कीजिए अच्छे से, इस सर्किल जो आप प्रिज्म देख रहे हैं, इस सर मतलब कि प्रिज्म पर एक सर्किल दिखेगा। आप जितना अच्छा सर्किल सेट कर लेंगे उतना अच्छा डिमार्केशन लाइन आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर हम लाइट हटा देंगे तो हमें एक सर्किल दिखेगा। जैसे सर्किल आपने सेट कर लिया, यहाँ से सेट कर सकते हैं और लाइट को ऐसे इधर उधर करके सेट, हमें सर्किल सेट करना है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक, यहाँ से जब हम देखेंगे, आप एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में जब हम देखेंगे, तो हमारा जहाँ आप जैसे आपको डिमार्केशन लोग पहचान नहीं पाते डिमार्केशन लाइन है क्या, मैं आपको बता दूं, जैसे कि जब हम देखते हैं आप देखेंगे डिमार्केशन लाइन वहीं प्राप्त होता है। जैसे कि हम इसको घुमा रहे हैं, जो आपका टेलीस्कोप है उसको पूरा घुमा रहे हैं, जब घुमाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा डार्क आएगा। मीन्स जहाँ आपको मीन डिफरेंस पता लगे कि हाँ लाइट डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा ब्राइट है, जो वो लाइन है बीच वाली वही आपकी डिमार्केशन लाइन होती है। लोग कहते हैं पूरा ब्राइट हो जाता है। चलो रेडी, ये आपका डिमार्केशन लाइन है। अब हम बात करते हैं, ये आपका एयर के लिए होगा। अब हम वाटर के लिए बात करते हैं। ठीक, वाटर के लिए हम क्या करते हैं, आप एक ग्लास होगा, ग्लास आकर होगा, ग्लास का हम लोग पहले वाटर से मतलब उसमें थोड़ा वाटर से उसको हम धो के यहाँ हम उसको स्लिप करेंगे, मतलब उसको चिपकाएंगे। ठीक, ग्लास को हम यहाँ चिपकाएंगे, जिस साइड हम ग्लास को चिपकाएंगे उसके अपोजिट साइड डिटेल देंगे तो हमें डिमार्केशन लाइन प्राप्त होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लास को अपोजिट साइड चिपका देंगे, अपोजिट साइड चिपकाने के बाद हम रीडिंग यहाँ से लेंगे। तो यही प्रोसेस हमें करना है। और आपको सेटिंग के लिए बता दूँ, आप लोग जब एंगल ऑफ प्रिज्म निकालेंगे तो सबसे स्लिट बना लीजिएगा। आप लोग सेकंड ईयर है उसमें बताने जरूरत नहीं है। और एंगल ऑफ जब आप लोग स्लिट बना लेंगे तो आप लेफ्ट में राइट में एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। डिमार्केशन लाइन एक बार एयर के लिए, एक बार वाटर के लिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको टीआई का बता दूँ, जो डिमार्केशन लाइन कहाँ मिलता है हमारे दैनिक जीवन में। आप लोग देखते होंगे कोई भी देश का जो बॉर्डर होता है, तो उसी प्रकार के एग्जाम्पल है कि देश का जो बॉर्डर होता है जो अलग करती है लाइन, वही टीआई का एग्जाम्पल है। आपके अगर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है, संगम में भी जानते हैं